श्वेता सिंह हमारी सहयोगी मौजूद है मुख्यमंत्री आवास से, और समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ उस कब्रिस्तान से जुड़ रहे हैं जहां पर असद को पहले दफनाया गया था और कुछ ही देर बाद माना जा रहा है अतीक अहमद को भी दफनाया जाएगा। सबसे पहले श्वेता आपके पास आते हुए क्या अपडेट है, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे राज्य में ठीक से रहे, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में भी गहन जांच की जा रही है, जुडिशियल इंक्वायरी, आईपीएस ऑफिसर्स की टीम प्रयागराज भेजी गई है, हर एंगल पर इस वक्त एक्शन दिख रहा है। जी अंजना, मुख्यमंत्री की ताकीद है कि जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधा उन तक जरूर पहुंचे, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उनकी जानकारी के बिना यहां पर हो जाए। हर कुछ देर में वो एक ताजा रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी जो पेशी होने वाली है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत कड़ाई बरतने के लिए कहा गया है, इसीलिए हम देख रहे हैं लगभग 150 जवान वहां पर बताया गया है कि तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जो इंक्वायरी के लिए था उसे समयबद्ध किया जाए, 2 महीने के भीतर वो रिपोर्ट अपनी सौंप दे यहां के गृह भाग की तरफ से वो जानकारी। तो एक एक करके यहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रशासन के, पुलिस के, सबके आने का सिलसिला यहां मुख्यमंत्री के पास चलता रहता है, आने जाने का यहां पर चल रहा है और वो एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं ये बताया जा रहा है। जब सुबह की शुरुआत हुई थी उस समय उनको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कानून व्यवस्था बहाल रहे, कहीं से भी अशांति की खबर ना आए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि संवेदनशील इलाकों में जिस चीज की आशंका हो सकती है, लेकिन वो सारी चीजें नियंत्रण में रही। अब वो पूरी तरीके से इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि उस इलाके में प्रयागराज में चाहे जो सुपुर्द खाक जहां पर होना है या जहां पर दफन होना है, जहां पर दो कब्रें खोद दी गई थी, वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, या फिर जो पेशी के लिए इन तीनों को लाना है वहां पर किस तरह की चीजें, क्योंकि पूछताछ में ये सब और जिस तरह की चीजें बता रहे हैं और जिस तरह के हथियार अभी तक उनसे बरामद हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई गैंग हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, हर किसी भी चीज को रूल आउट अभी नहीं करके मुख्यमंत्री की तरफ से यही ताकीद कि हर एक चीज उनकी पैनी नजर से होकर ही गुजरे। ठीक है, और हमारे साथ समर्थ भी बने हुए हैं, उनके पास जल्दी से चलते हैं। यहीं पर दफनाया जाएगा समर्थ, पहले असद को भी यहीं दफनाया गया था, और अगर मैं सही हूं तो अतीक अहमद के पिता को भी एक वक्त पर इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। एक पूरा साम्राज्य प्रयागराज में इस माफिया डॉन का था, 17 साल से जिसने यहां पर अपराध में कदम रखा, और देखिए जिस इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो चुनाव लड़ता था, एमएलए बनता था, उसी अस्पताल के बाहर राजू पाल की हत्या का आरोप था, उसी अस्पताल के बाहर यहां पर 3 हमलावर उसकी हत्या कर देते हैं और अब उसी कब्रिस्तान में आज दफन होगा। सावर जानकारी आ रही है, एक सेकंड समाप्त आपको रोक रही है, तीनों शूटर्स की प्रयागराज जिला कोर्ट में तीनों की पेशी हो रही है इस वक्त, बताया जा रहा है यहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इन तीनों को भी लेकर और कई जगहों पर यह माना जा रहा था लोगों का गुस्सा न निकले, हम तीनों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो लवलेश तिवारी हो, सन्नी सिंह हो या फिर अरुण मौर्य हो, तीनों अलग अलग जगहों के हैं। आप देखिए हमीरपुर बांदा, लेकिन पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक होटल में रहते हैं जो जानकारी आई है उसके मुताबिक, एक फेक आईडी वाला माइक लेते हैं, एक फेक कैमरा लेते हैं, फेक आईडी बनाते हैं रिपोर्टर्स की, वहां पर जाते हैं और जैसे ही हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव आप ही ने यह सवाल उनसे पूछा, गोली दाग दी सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अतीक अहमद और पेट में गोली मारी अशरफ को। समर्थ जल्दी से अपडेट। अंजना देखिए मेरी इस वक्त मौजूदगी मर्चरी में है और यहाँ पोस्टमार्टम लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गया है जब से चल रहा है, पर फिलहाल यहाँ फोर्स बढ़ गई है तो माना जा सकता है अगले 10 से 15 मिनट में यहाँ से डेड बॉडी दोनों की ले जाई जाएगी कब्रिस्तान में, जहां पर आज अतीक अहमद और अशरफ को दफन किया जाएगा, जहां पर असद की कब्र खुदी थी उसी के नजदीक जो उनके पिता अतीक अहमद हैं और अशरफ है उनकी कब्र वहां पर खुदी और वहीं पर दफन किया जाएगा। कैमरामैन नीरज तस्वीरें दिखाएंगे आपको मेरे ठीक पीछे से, आप देखेंगे कि यहां पर एम्बुलेंस जो है वो लगी है और पुलिस की जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ गई है, और अभी अभी यहां पर सीएमओ प्रयागराज भी पहुंचे हैं तो पूरा अंदेशा है क्योंकि लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, एक्सरे भी दोनों ही बॉडीज का हो चुका है, तो माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में यहां से दोनों की डेड बॉडीज यहां से निकलेंगी और यहां से सीधा कब्रिस्तान की ओर ले जाई जाएंगी, वही कब्रिस्तान जहां पर असद को दफन किया गया था, वही कब्रिस्तान जहां पर अतीक के पिता और अतीक की माता को दफन किया गया था। और इस बीच में लगातार ये बातें भी हैं, जो 3 शूटर्स हैं उनकी कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इस बीच में जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है कि वो यहां पर प्रयागराज में रहे, होटल में स्टे किया, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसकी पड़ताल लगातार यूपी की पुलिस कर रही है और जल्दी ही ये
बताया जा रहा है कि फिलहाल यहां से ये एम्बुलेंस निकलेगी और पहुंचेगी सीधा कब्रिस्तान में, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को दफन किया जाएगा।